दोस्तों आज का वीडियो मैं अपने एक सब्सक्राइबर के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं। उन्होंने मेरे से पूछा था कि किसी किसी कॉन्टेक्ट्स को मैसेज करने के बाद ब्लू टिक्स दिखते हैं और किसी किसी कॉन्टेक्ट्स को मैसेज करो तो ब्लू टिक्स नहीं दिखते हैं लेकिन सामने वाला मेरे मैसेज को पढ़ लेता है, बट मैं ये नहीं जान पाता हूं कि वह मेरे मैसेज को कब पढ़ा, कितने बजे पढ़ा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों व्हाट्सअप की इसी सेटिंग के बारे में मैं बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे दो मोबाइल देख रहे हैं, इन दोनों मोबाइल में मैं लाइव चैटिंग करके उन सेटिंग्स का यूज करके दिखाऊंगा कि क्या इम्पैक्ट होता है। तो चलिए मैं एक मोबाइल से मैसेज सेंड करता हूँ। देखिए मैंने मैसेज भेजा, यहाँ पे मुझे रिसीव भी हो गया। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे ब्लू टिक्स नहीं दिख रहा है जबकि दूसरे मोबाइल में मैंने मैसेज पढ़ लिया। अब मैं इसके इन्फो को अगर देखूंगा तो इस मैसेज पे होल्ड करूंगा, होल्ड करके थ्री डॉट्स पे जाके इन्फो चेक अगर करता हूँ तो इन्फो पे देखिए डिलीवर्ड में जस्ट नाउ लिखा है लेकिन रीड में कोई टाइमिंग नहीं दिख रहा है, कोई टाइमिंग नहीं दिख रही है। तो अब मुझे दूसरे मोबाइल में देखना है कि मैंने कौन सी ऐसी सेटिंग की है जिसकी वजह से मेरा ब्लू टिक नहीं दिख रहा है और न तो रीड टाइमिंग दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अब ये दूसरे मोबाइल के मैं व्हाट्सअप होम पे आ जाऊँगा। व्हाट्सअप मैंने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको थ्री डॉट्स दिखेंगे, ये थ्री डॉट्स पे जाऊँगा। थ्री डॉट्स के बाद सेटिंग में अकाउंट पे जाने के बाद प्राइवेसी पे मैंने क्लिक किया। अब प्राइवेसी पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है रीड रिसिप्ट के सामने यह बटन ऑफ दिख रहा है। अब इसको मैं ऑन कर दे रहा हूँ। ऑन करने के बाद फिर से हम चैटिंग को देखते हैं कि अब ब्लू टिक्स दिखते हैं या नहीं। अब बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फिर से मैं दूसरे मोबाइल से इस नंबर पे मैसेज भेजूँगा। तो फिर से मैं इस मोबाइल पे आ गया, यहाँ से मैं मैसेज भेजता हूँ। देखिए मैसेज यहाँ पे रिसीव हो गया और अभी आप देख सकते हैं कि इस वाले मैसेज पे ब्लू टिक दिख रहा होगा आपको, ठीक है। पहले वाले मैसेज पे ब्लू टिक नहीं दिख रहा है लेकिन दूसरे वाले मैसेज पे ब्लू टिक दिख रहा है। अब दूसरे वाले मैसेज का मैं इन्फो भी चेक करना चाहूँगा कि सामने वाले को कितने बजे मैसेज मिला और उसने कितने बजे इस मैसेज को पढ़ा। तो फिर से मैं दूसरे वाले मैसेज को होल्ड करूँगा, होल्ड करके मैं इन्फो पे जाऊँगा। तो इन्फो पे देखिए यहाँ पे रीड पे भी लिखा है जस्ट नाउ और डिलीवर्ड पे भी लिखा है जस्ट नाउ। तो दोस्तों यह एक छोटी सी सेटिंग है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लू टिक्स को डिसअपीयर कर सकते हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके मैसेज को कितने बजे पढ़ा, ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यह सेटिंग कैसे करनी है। यह सेटिंग अगर आपको करनी है तो आपको अपने व्हाट्सअप के होम पे आ जाना है। तो आपको राइट साइड में यहाँ कॉर्नर पे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, ये थ्री डॉट्स पे क्लिक कर देना है। उसकी सेटिंग पे जाना है, सेटिंग में फिर आपको अकाउंट दिखेगा तो अकाउंट पे जाना है। अकाउंट में प्राइवेसी पे जाना है, प्राइवेसी में यहाँ रीड रिसिप्ट दिख रहा है। देखें इस रीड रिसिप्ट को ऑफ करेंगे तो सामने वाले को ब्लू टिक नहीं दिखेगा और न तो वह टाइम चेक कर पाएगा कि कितने बजे आपने मैसेज को पढ़ा। और अगर इसको आप ऑन रखते हैं तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपने कितने बजे मैसेज पढ़ा और उसको ब्लू टिक्स जो कि रीड रिसिप्ट बोलते हैं वह भी सामने वाले को दिखने लगेगा। तो दोस्तों यह एक छोटी सी सेटिंग थी जिसका इस्तेमाल करके मैंने ब्लू टिक को डिसअपीयर करना कैसे कर सकते हैं यह बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ दमदार टिप्स के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।